नमस्कार, मैं विष्णु सिंह, एटीएन सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाज के उन निचले स्तर के कारोबारियों के बारे में, या यूं कह लें कि उन सबसे छोटे कारोबारियों के बारे में जो कि रेहड़ी पटरी पर बैठ के अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करने को मजबूर है। जी हाँ, लॉकडाउन में इन रेहड़ी पटरी पर काम कर रहे लोगों को, इन रेहड़ी पटरी पर सामान रख कर बेच रहे लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिंदगी के किन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, उसी सिलसिले में हम यहाँ पे आ चुके हैं रमना मैदान के, जहाँ पे आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। देखेंगे आप, यहाँ अक्सर गोलगप्पे की ठेला लगा करती हैं जो कि खाली है। यहाँ पर एक रेहड़ी पटरी पे लगाए हुए हैं, नारियल बेच रहे हैं, नारियल पानी, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, कितने समय से लगा रहे हैं यहाँ पे? 6 महीना। 6 महीना से लगा रहे हैं। क्या स्थिति है लॉकडाउन में आप लोगों का? अभी तो स्थिति खराब है। अच्छा अच्छा मतलब स्थिति बढ़िया नहीं है। अच्छा, ये बताइए हमको कि लॉकडाउन, जो पहला लॉकडाउन लगा हुआ था, उससे पहले आपका कर कमाई कैसा हो जाता था और अभी का क्या स्थिति है? पहले वाला में कुछ ठीक था, एकदम खत्म है। एकदम मतलब एकदम चौपट है। अच्छा, परिवार कैसे चलता है आपका? इसी ठेले से चलता है आपका परिवार? ठेले से चलता है। कितने लोग हैं परिवार में आपके? 6 परिवार हैं जी। चार बाल बच्चा है, 2 गो अपने। मतलब आप बता रहे हैं कि इस ठेले की आमदनी से आप 6 लोगों का परिवार चलाते हैं, और जो कि मतलब पूरी तरीके से चौपट ही है लॉकडाउन में, आप बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर भी है पास में ही, लोगों के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फिर जो प्रशासनिक अमला है या राजनीतिक अमला है, उनके तरफ से आपको कोई सहायता मिला है कि नहीं कभी लॉकडाउन में? कोई सहायता नहीं है आपको? अच्छा, और जो इक्का दुक्का लोग, हम पूछना चाहते हैं, जो इक्का दुक्का लोग अभी खरीदारी करने के लिए आते होंगे आपके पास नारियल पानी पीने के लिए, उनको सुरक्षा मानकों पे आप क्या देख रहे हैं? मास्क लगा के वो लोग आते हैं तभी देते हैं आप सामान देते हैं अपना, कि ऐसे नहीं देते हैं? मास्क लगा के आना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो देख पा रहे हैं आप कितनी चुनौतियों के साथ इनको अपना जीवन का गुजर बसर करना पड़ रहा है। यहाँ पास में एक गन्ना रस के विक्रेता हैं, उनसे ही बात करेंगे हम। इनके पास भी ग्राहक नहीं है। क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। रंजन जी, कब से लगा रहे हैं आप यहाँ पे ठेला अपना गन्ना का? सुबह से लगाता हूँ, ऐसे 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने से। और कैसा स्थिति है आपका लॉकडाउन में, बताइए? लॉकडाउन से पहले जो स्थिति था वो अभी नहीं है, अभी का स्थिति बहुत विपरीत है। बहुत विपरीत है। लॉकडाउन मान के चलिए पहला लॉकडाउन मार्च में लगा था, उससे पहले कैसा था कारोबार, अभी कैसा है? लॉकडाउन के बीच में जुड़ा सा मिला था राहत, जो चल रहा था, काम अच्छा था। ठीक है ठीक है। और अभी तो ऐसी बहुत स्थिति खराब है। बहुत स्थिति खराब है। अच्छा, ये बताइए कि परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम लोग 3 लोग हैं। 3 लोग, मतलब खर्चा उर्चा तो इसी ठेले चलता होगा आपका? जी, इसी से हम लोग का सब कुछ। तो अभी कैसा है, मतलब ठीक चल पा रहा है परिवार? अच्छे से परिवार चल रहा है, अच्छा से नहीं, थोड़ा सा दिक्कत में है, दिक्कत में। अच्छा, ये बताइए, आप कलेक्ट्रेट परिसर के आस ही पास हैं, कलेक्ट्रेट परिसर के प्रशासनिक अमला यहाँ से गुजरता रहता है, तो उनके तरफ से कोई सहायता इस लॉकडाउन, पूरे लॉकडाउन में शुरू से लेकर अंत तक? मेरा कोई सहायता नहीं मिला। कोई सहायता नहीं मिली। चलिए, शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले में हम पहुँच चुके हैं आरा रेलवे स्टेशन परिसर में, जो यहाँ पे दिहाड़ी रेहड़ी पट्टी वाले लोग हैं, उनको भी काफ़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है भैया? संतोष नाम है। संतोष नाम है। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, लॉकडाउन है, जीने खाने भर, आदमी सोच रहा है खाने के लिए आ जाए, नहीं आ रहा है, दो पैसा के लिए आदमी तरस रहा है खाने पीने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि लॉकडाउन से पहले आपका क्या स्थिति था और अभी क्या स्थिति है? लॉकडाउन से पहले अच्छा था, खाने पीने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। जी, लॉकडाउन है जब से खाने पीने के लिए सोचना पड़ रहा है। मतलब स्थिति खराब है पूरी तरीके से? पूरा खराब है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 6 परिवार हैं। और सब कोई का जो है जिंदगानी इसी से चलता होगा? हाँ, ऐसा ही चल रहा है।
तो स्थिति पूरी तरीके से खराब है। अच्छा, आप स्टेशन परिसर में बैठते हैं तो हमको बताइए कि यहाँ पे आरपीएफ है, तमाम प्रशासन के लोग आते जाते हैं, इनके तरफ से आपको कोई सौदा कोई व्यवस्था कराया गया, कभी कुछ आश्वासन दिया गया? खिचड़ी वचड़ी खाने के लिए मिला है जी, अब नहीं मिला। और अंग्रेज में तो आगे एक महीना पहले मिला था। अच्छा, ऐसा है कि आपको पहले सुविधाएं दी गई हैं, खाने के लिए सामग्रियाँ दी गई हैं, लेकिन अभी जो है व्यवस्था ठीक नहीं है, अभी मदद नहीं किया जा रहा है। अभी कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, लॉकडाउन में रेहड़ी पटरी पर बैठ कर जिंदगी गुजर बसर कर रहे लोगों के बारे में जानने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं शिवगंज के दुर्गा मंदिर स्थित मोड़ पर। ये रहा दुर्गा मंदिर, और यहाँ पर रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाने वाले, ठेला लगाकर लिट्टी बेचने वाले कारोबारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मंगल कुमार। मंगल जी, कब से यहाँ पे ठेला लगा रहे हैं आप? काफ़ी दिनों से ठेला लगा रहे हैं। क्या स्थिति है आपका लॉकडाउन में? बहुत बुरा है यार। बहुत आर्थिक स्थिति बुरा है। कैसा, मतलब ग्राहक पहले के मुकाबले कैसे मिल रहे हैं आप? एकदम नहीं है। एकदम नहीं है नहीं। तो मतलब कारोबार पूरी तरीके से चौपट है? जी, चौपट है। और किसी तरीके की प्रशासनिक मदद या फिर कुछ ऐसा आपको दुकान को लेकर? कोई दिक्कत नहीं, कोई मदद नहीं मिल रहा आपको? कोई मदद नहीं। जैसे रहने वाले कहाँ, किस मोहल्ले के हैं? शिवगंज के रहे। यहाँ पे जो है आपके शिवगंज के वार्ड पार्षद कौन पढ़ते हैं? सीता देवी। उनकी तरफ से मतलब आपको कुछ इस लॉकडाउन में कुछ विशेषता है? कुछ अभी तक कुछ नहीं हमारे बना, कोई चीज़ नहीं, कुछ आधार कार्ड या वोटर आईडी कोई सामान। राशन कार्ड है कि नहीं आपके पास? बेसिक चीज़ वो भी नहीं है, मतलब कोई सुविधा नहीं है आपको सरकार की तरफ से भी? नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, जमीनी स्तर पर कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। अच्छा, साथ में एक रिक्शा चालक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्येंद्र राम। कैसा है स्थिति आपका लॉकडाउन? बहुत स्थिति खराब है साहब। बहुत स्थिति खराब। मतलब आपको भी ग्राहक नहीं मिल रहे हैं? हमको भी नहीं मिल रहा है साहब, जो राशन कार्ड भी है ये सब राशन पता ही कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना ही मेरा आधार कार्ड है, ना वोटर लिस्ट है, कुछ भी नहीं। स्थिति एकदम दयनीय है। परिवार में कितने लोग हैं आपके यहाँ पे? जी परिवार पाँच आदमी। सब तो रिक्शा चला के ही गुजर बसर करते होंगे आप? अब वो भी कमी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा, तो परिवार कैसे चल पा रहा है फिर आपका? चल पा रहा है सब, दूसरे से ले दे के आदमी खाता पीता है, मतलब उधार लेके जिंदगी चल रहा है किसी तरीके से। आपको भी किसी तरह कोई प्रशासनिक या फिर लोकल स्तर जो पार्षद हेल्प करते हैं, कोई मदद नहीं है आपको? कोई हेल्प नहीं करता है। स्थिति एकदम दयनीय है, मतलब लॉकडाउन में बंदी में घर से आता हूँ या पैदल जा